वन नमस्कार। डॉक्टर प्रशांत थिवरकर, मैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ बायजेर बायवाड़िया हॉस्पिटल फॉर चिल्ड्रन इन मुंबई। तो मैं पिछले 15 साल से बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर रहा हूँ और मेरा ट्रेनिंग यूनाइटेड किंगडम में हुआ है और 2 साल से मैं बम्बई में आया हूँ और बायजेर बायवाड़िया हॉस्पिटल फॉर चिल्ड्रन में बोन मैरो ट्रांसप्लांट डिपार्टमेंट सेटअप किया है। तो आज हम बात करेंगे बोन मैरो ट्रांसप्लांट फॉर ब्लड कैंसर के बारे में, यानी ब्लड कैंसर में बोन मैरो ट्रांसप्लांट का क्या उपयोग है, कब हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं ब्लड कैंसर में। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जानना है कि बोन मैरो क्या होता है। बोन मैरो जो होता है ये अपनी लंबी हड्डियाँ जो होती है उसके बीच में जो स्पंज जैसा स्पंज जैसी जो कोशिकाएं होती है उसको बोन मैरो बोलते हैं। इस बोन मैरो में अपने खून में या रक्त में जो पेशियाँ होती है, लाल पेशियाँ, सफ़ेद पेशियाँ, प्लेटलेट की पेशियाँ, ये सारी पेशियाँ जो होती है ये इस बोन मैरो में से निकल के खून में आती है और ये पेशियों के बिना जीवन असंभव है। तो ये बहुत ज़रूरी पेशियाँ होती है, तो बोन मैरो का ये महत्व है हमारे जीवन में। तो फिर से मैं दोहरा दूँ, बोन मैरो जो होता है ये अपनी लंबी हड्डियों के बीच में जो स्पंज जैसी कोशिका होती है उसको बोन मैरो बोलते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट क्या होता है। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट मतलब इसका दूसरा नाम है स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। और बोन मैरो ट्रांसप्लांट जब हम करते हैं तो हम किस चीज़ का ट्रांसप्लांट करते हैं, तो उसमें हम स्टेम सेल्स का ट्रांसप्लांट करते हैं और उसके साथ ही साथ जो रोग प्रतिरोधक शक्ति कोशिकाएं होती है उनका भी ट्रांसप्लांट करते हैं। तो ये दो चीज़ों का ट्रांसप्लांट बोन मैरो ट्रांसप्लांट हम जब करते हैं तब होता है। बट ये ट्रांसप्लांट शब्द मतलब इसको आमतौर पर सर्जरी यानी ऑपरेशन के साथ जोड़ा जाता है, बट बोन मैरो ट्रांसप्लांट ये कोई सर्जरी नहीं है, ये एक पेचीदा चिकित्सा है, ये एक कॉम्प्लिकेटेड मेडिकल प्रोसीजर है, बट ये सर्जरी नहीं है। इसमें हम बोन मैरो लेके जैसा ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, जैसे खून चढ़ाते हैं, उसी तरह से हम बोन मैरो चढ़ाते हैं। और इस बोन मैरो में जो होता है, बोन मैरो में बीज होता है जो जिसमें खून की पेशियां जो होती है उससे उस बीज से निकल के आती है और फिर उसका नया खून बनता है, नए खून की पेशियां बनती है। तो फिर से मैं दोहरा दूँ, बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो होता है ये सर्जरी नहीं है, ये ऑपरेशन नहीं है, ये एक मेडिकल प्रोसीजर है। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बारे में जानने के लिए हमें पहले बोन मैरो ट्रांसप्लांट का इतिहास के बारे में थोड़ी बात करना चाहूँगा। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बारे में मनुष्य जाति ने 1940-1950 के दौरान सोचना शुरू किया। ये सोचना इसलिए शुरू किया क्योंकि उस समय पे एटॉमिक बॉम्ब बन रहे थे और एटॉमिक बॉम्ब से बोन मैरो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। तो इस नष्ट हुए बोन मैरो को फिर से रिप्लेस कैसे करना, उसी लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बारे में उस समय पे वैज्ञानिकों ने सोचना चालू किया। तो विडम्बना देखो कि एक तरफ हम एटॉमिक बॉम्ब बना रहे थे और दूसरी तरफ वैज्ञानिक जो है वो एटॉमिक बॉम्ब का जो बोन मैरो पे असर होता है उसको ट्रीटमेंट कैसे करना ये सोच रहे थे।
तो ये 1940-1950 जब हिरोशिमा नागासाकी में एटॉमिक बॉम्बिंग हुई, उसके साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बारे में विचार करने की शुरुआत हुई। तो सबसे पहले जो ट्रांसप्लांट शुरू हुआ, ये हुआ हेलो, सबसे पहले जो ट्रांसप्लांट शुरू हुआ ये हुआ ट्रांसप्लांट की जो एक्सपेरिमेंट शुरू हुई या प्रयोग शुरू हुआ ये हुआ चूहों में। तो ये शुरू हुआ 1950 में शुरू हुआ। तो चूहों में प्रयोग करके हमें समझा कि हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और उसी समय पे क्योंकि हमने चूहों में दिखा दिया था कि हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, तो जिन मनुष्यों को, जिन बच्चों को या जिन जिन जिनको ल्यूकेमिया था, उस समय पे ल्यूकेमिया कोई अच्छा ट्रीटमेंट था भी नहीं, तो उनमें फिर ट्रांसप्लांटेशन की शुरुआत हुई। और 1956 में पहला सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट हुआ। तो ये जो सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट हुआ ये हुआ एक जुड़वा भाई जो हेल्दी था, जो नॉर्मल था, उसके भाई को ल्यूकेमिया हो गया था। तो इस जुड़वा भाई की पेशियां लेके जिसको ल्यूकेमिया था उस मरीज को दी गई थी और ये ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल हुआ था। तो ये ट्रांसप्लांट किया था डॉक्टर डोनाल्ड थॉमस ने। इनको बाद में 1990 में नोबेल प्राइज पुरस्कार भी मिला बोन मैरो ट्रांसप्लांट की शुरुआत करने के लिए। तो 1950 1960 के दशक में बोन मैरो ट्रांसप्लांट की शुरुआत हुई मनुष्यों में। लेकिन शुरू में जो था बोन मैरो ट्रांसप्लांट असफल था। शुरू में हम नहीं जानते थे बोन मैरो ट्रांसप्लांट कैसे करना, तो काफ़ी असफलताएं हुई, काफ़ी नाराज़ी हुई। बट धीरे धीरे जो डॉक्टर्स थे, वैज्ञानिक थे सीख गए कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट कैसे करना। तो 1970 और 80 के दशक में अमेरिका और यूरोप में बहुत सारे बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुए और बहुत सारे सक्सेसफुल भी हुए। और 1983 में पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट भारत में हुआ, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में हुआ 1983 में। और अब हम तकरीबन भारत में 2 से 3 हज़ार ट्रांसप्लांट हर साल करते हैं। चाइना में साल में 10 हज़ार से ज़्यादा ट्रांसप्लांट होते हैं। तो पूरी जग भर में बहुत सारे ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, बहुत सारे ट्रांसप्लांट एक्टिविटी हो रही है। एक मिनट। त्यांनी सांगितले का? हॅलो, एक सेकंड, मेरा ये वॉइस बहुत लो आ रहा है। हेलो, तो मेरे ख्याल से मेरी वॉइस अभी शायद इम्प्रूव हो गई होगी। तो जग भर में बहुत सारे ट्रांसप्लांट हो रहे हैं। भारत में तकरीबन 2 से 3 हज़ार ट्रांसप्लांट हर साल होते हैं। चाइना में 10 हज़ार से ऊपर ट्रांसप्लांट होते हैं। तो ट्रांसप्लांट ये एक आम थेरेपी हो गई है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट। तो ये ट्रांसप्लांट कैसे करते हैं, कैसे कैसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है? तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट का सबसे पहला कदम होता है कि क्या ट्रांसप्लांट करना ज़रूरी है। तो ये आपके डॉक्टर को डिसाइड करना पड़ता है, क्योंकि बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक बहुत बड़ी चिकित्सा होती है, साधारण चिकित्सा नहीं है। तो इसलिए क्या बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना ज़रूरी है,
ये डॉक्टर को डिसाइड करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट कौन से ब्लड कैंसर में करते हैं? हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट उस ब्लड कैंसर में ऑफर करते हैं जिसमें कीमोथेरेपी से कैंसर ठीक नहीं हो सकता। तो ऐसे ब्लड कैंसर जिसमें कीमोथेरेपी से कैंसर ठीक नहीं हो सकता, उन कैंसरों में हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं। तो सबसे पहला कदम यह होता है, ये डिसाइड करना कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना ज़रूरी है या नहीं है। अलग अलग प्रकार के ब्लड कैंसर होते हैं, इन सभी ब्लड कैंसरों में बोन मैरो ट्रांसप्लांट का उपयोग किया जाता है। बट सबसे ज़रूरी चीज़ ये डिसाइड करना होता है कि ये करना ज़रूरी है या नहीं है। तो उन कैंसरों में, जिन कैंसरों में कीमोथेरेपी से ठीक नहीं होने वाले रहते, उनमें हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट ऑफर करते हैं। दूसरा कदम होता है कि जब ये लगता है कि पेशेंट को बोन मैरो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, तो आपके डॉक्टर आपको ट्रांसप्लांट के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। ट्रांसप्लांट में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, जैसे हिकमन लाइन डालना, स्पेशल रूम में रहना, कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी देना, बोन मैरो ट्रांसफ्यूजन करना, बोन मैरो के साइड इफेक्ट एक्सप्लेन करना, ट्रांसप्लांट कितना सक्सेसफुल होगा ये बताना और फॉलोअप करना। तो हिकमन लाइन क्या होती है? तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए हम बार बार बच्चों को कैनोला नहीं डाल सकते, तो इसलिए एक मोटी लाइन होती है जो हम डालते हैं, जो हार्ट के ऊपर की जो रक्तवाहिनी होती है उस पे जाके बैठती है। तो एक बार ये डालने के बाद हमें बार बार सुई नहीं चुबानी पड़ती बच्चों को। ये एक छोटी सी सर्जरी होती है, इसमें बच्चों को सुलाया जाता है बेहोशी का इंजेक्शन देके, और ये लाइन डाली जाती है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे हम कैनुला डालते हैं वैसे हम हिकमन लाइन डालते हैं। हिकमन लाइन डालने के बाद पेशेंट और पेशेंट के जो केयर टेकर होते हैं उनको हम स्पेशल रूम में रखते हैं। स्पेशल रूम को हेपा फिल्टर रूम बोलते हैं। इस हेपा फिल्टर रूम का फंक्शन ये होता है कि गंदी हवा अंदर और अच्छी हवा बाहर रहती है। उसमें एक स्पेशल फिल्टर लगा हुआ होता है जिसमें हम अशुद्ध हवा को अंदर नहीं जाने देते, फिल्टर किया जाता है। इस वजह से फंगल इन्फेक्शन जो होता है ट्रांसप्लांट के बच्चों में, उसकी वो होने का चांस बहुत कम हो जाता है। तो ये एक स्पेशल रूम होता है जिसमें स्पेशल फिल्टर फिट किया जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है बोन मैरो ट्रांसप्लांट जब हम करते हैं उस दौरान स्पेशल रूम में रहना। तीसरी चीज़ जो आपके डॉक्टर आपको समझाएंगे कि बच्चों का ट्रांसप्लांट देने के लिए कीमोथेरेपी लगने वाली है या रेडियोथेरेपी लगने वाली है, या बिना कीमो और रेडियोथेरेपी के ट्रांसप्लांट किया जाएगा। तो कीमोथेरेपी बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए इसलिए दी जाती है क्योंकि कीमोथेरेपी से जो पेशेंट का जो बोन मैरो होता है और पेशेंट की जो रोग प्रतिकार शक्ति होती है उसको पूरी तरह से मिटाया जाता है। तो ये मिटाने के लिए हमें कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। तो अलग अलग प्रकार की कीमोथेरेपी होती है बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए। आपके डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि किस प्रकार की कीमोथेरेपी किस प्रकार के कैंसर के लिए देनी है या किस प्रकार के ट्रांसप्लांट के लिए देनी है। कुछ बच्चों को रेडियोथेरेपी भी दी जाती है। अगेन, किसको रेडियोथेरेपी मिलेगी या नहीं मिलेगी ये कैंसर पे डिपेंड करता है कि किस प्रकार का कैंसर है। इसके बाद में आपको डॉक्टर ये भी समझाएंगे कि ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो है ये सर्जरी नहीं है, ये ऑपरेशन नहीं है। ये केवल जैसे हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते हैं उसी प्रकार से हम बोन मैरो ट्रांसफ्यूजन देते हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट के आपको साइड इफेक्ट समझाए जाएंगे। आमतौर पर जो साइड इफेक्ट होते हैं वो बाल झड़ना, मुंह में छाले आना। इस बोन मैरो ट्रांसप्लांट के दौरान बच्चे खाना नहीं खा पाते, तो हम उन्हें जो हिकमन लाइन डाली जाती है
उसमें से हम उनका पोषण करते हैं, तो उसमें से उनको खाना खिलाया जाता है एक एक प्रकार से। और बोन मैरो ट्रांसप्लांट के दौरान बच्चों को ब्लड और प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन भी लगता है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट की वजह से कभी कभी बहुत गंभीर साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो सबसे गंभीर साइड इफेक्ट जो है वो होता है इन्फेक्शन, बहुत गंभीर साइड इफेक्ट होता है। और दूसरा साइड इफेक्ट जो होता है वो जो कोशिकाएं डालते हैं उनकी पेशेंट के शरीर के साथ लड़ाई हो सकती है। तो इन्फेक्शन का रिस्क कम करने के लिए हम कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करते हैं, ऑलमोस्ट रोज ब्लड टेस्ट किया जाता है, और हर हफ्ते में जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट के समय पे कुछ वायरल इन्फेक्शन होते हैं उनका टेस्ट भी किया जाता है। आइडिया ये होता है कि इन्फेक्शन ना होने दे, या इन्फेक्शन होता है तो उसको जल्दी पकड़ के हम ट्रीट करें ताकि इन्फेक्शन फैले ना। दूसरा जो साइड इफेक्ट होता है बोन मैरो ट्रांसप्लांट में, जो गंभीर साइड इफेक्ट होता है, वो कोशिकाओं की लड़ाई। तो जो हम पेशियाँ डालते हैं, कोशिकाएँ डालते हैं पेशेंट के अंदर, वो पेशेंट के शरीर में अंदर जाके वो बोलती है कि मेरा शरीर नहीं है, किसी और का शरीर है, तो ये शरीर से फाइट कर सकती है। तो आमतौर पर जो फाइटिंग होती है आतड़ी में हो सकती है और चमड़ी में हो सकती है। फाइटिंग हुई या लड़ाई हुई तो उसके ऊपर ट्रीटमेंट है और हम ट्रीट करते हैं, बट कभी कभी लड़ाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, और बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई और आतड़ी में बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई, तो ये लड़ाई अगर हम कंट्रोल नहीं कर पाए जो दवाइयाँ हमारे पास है तो उस वजह से जान जा सकती है। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट में दो इम्पॉर्टेंट साइड इफेक्ट जो होते हैं, एक तो होता है इन्फेक्शन, अगर बहुत सीरियस इन्फेक्शन हो गया फैल गया तो उससे जान जा सकती है, और दूसरा कोशिकाओं की लड़ाई बहुत ज़्यादा अगर सीरियस हो गई तो उससे जान जा सकती है। तीसरा जो गंभीर साइड इफेक्ट होता है कि कोशिका काम ही ना करे, ये कॉमन साइड इफेक्ट नहीं है, ये बहुत कम पेशेंट्स में होता है आज के तारीख में, बट ये हो सकता है कि जो हम कोशिकाएं डालते हैं वो काम ही ना करें। अगर वैसा हुआ तो उस समय पे हमें देखना पड़ता है, कारण फाइंड करना पड़ता है कि ये क्यों नहीं काम कर रही है, और फिर उसको ट्रीटमेंट देना पड़ता है। और चौथा जो साइड इफेक्ट मैं बताया कि अगर गंभीर साइड इफेक्ट हो ये कोई भी, तो इससे जान जाने का खतरा रहता है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट में हम कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी यूज़ करते हैं, इस वजह से जो बच्चे जन्म करने की क्षमता होती है उस पर असर पड़ता है। तो जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं, इनके खुद के बच्चे होने की उम्र हो जाती है शादी होने के बाद, तो उनका जो तो उनकी जो बच्चे जन्म बच्चों को जन्म देने की क्षमता है उस पर असर हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हर बोन मैरो ट्रांसप्लांट पेशेंट को बच्चे नहीं होते, बट कुछ बोन मैरो ट्रांसप्लांट के जो पेशेंट्स होते हैं उनको बच्चे होने में तकलीफ होती है खुद के, तो ये एक साइड इफेक्ट है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। बोन मैरो ट्रांसप्लांट कितना सक्सेसफुल है ये जान लेना भी ज़रूरी है। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट का सक्सेस हम दो तरह से देखते हैं। पहला जो होता है वो है अल्पकालिक सफलता या शॉर्ट टर्म सक्सेस। तो जो अल्पकालिक सफलता होती है ये हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते करते इतना सीख गए कि 80 से 90%, मतलब 100 में से 80 से 90 में बोन मैरो ट्रांसप्लांट काम करने लग जाता है, और 80 से 90 बच्चे घर जाते हैं ट्रांसप्लांट होने के बाद। बट कैंसर में ट्रांसप्लांट करना ही ज़रूरी नहीं है, बट कैंसर फिर से नहीं आना वो भी ज़रूरी होता है। ओके, तो कितने बच्चों में ट्रांसप्लांट के बाद कैंसर नहीं आता है और कितना सक्सेसफुल होता है? तो करीबन 60 से 70 बच्चे जिनको हमने ट्रांसप्लांट किया उनमें कैंसर फिर से नहीं आता है। तो उनमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट का सक्सेस जो होता है वो दीर्घकालिक होता है, तो और वो कैंसर मुक्त जीवन जीते हैं। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट ये एक बहुत अच्छी थेरेपी है कैंसर के लिए आज की तारीख में। जो कैंसर कीमोथेरेपी से ठीक होने वाला नहीं है उन कैंसरों के लिए, और मैं ब्लड कैंसर की बात करूँ।
बोन मैरो ट्रांसप्लांट होने के बाद आपको डिस्चार्ज किया जाता है, पेशेंट को डिस्चार्ज किया जाता है। 4 से 8 हफ्ते रहने के बाद में पेशेंट डिस्चार्ज होता है। शुरुआत में हफ्ते में 2 बार आपको फॉलोअप के लिए आना पड़ता है, और दोनों बार ब्लड टेस्ट होते हैं। ये ब्लड टेस्ट इसलिए होते हैं कि इस दौरान भी इन्फेक्शन का रिस्क रहता है, तो हमें मॉनिटर करना पड़ता है इन्फेक्शन ब्लड में है या नहीं है। हमें ये भी मॉनिटर करना पड़ता है कि सारे अवयव ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं है, नहीं कर रहे, और जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया वो कैसे काम कर रहा है। तो शुरुआत 3 महीने में डिस्चार्ज के बाद हम हफ्ते में 2 बार बुलाते हैं, उसके बाद में हफ्ते में 1 बार, उसके बाद में 2 हफ्ते में 1 बार, फिर महीने में 1 बार, फिर 3 महीने में 1 बार, और फिर 6 महीने में 1 बार, और उसके बाद में हर साल हम हमारे पेशेंट्स को बुलाते हैं लंबे समय के लिए, ये देखने के लिए कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो हुआ है उसका कुछ दीर्घकालिक असर जो शरीर पे हुआ है, शरीर के अवयव पे अगर वो हुआ है तो उनको जल्दी हम पकड़ के ट्रीट करें, जल्दी हम आइडेंटिफाई करके ट्रीट करें। तो ये तो था बोन मैरो ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया के बारे में। तो दूसरे कदम में हम पेशेंट को समझाते हैं कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट कैसे किया जाता है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट का आपके बच्चे में या बच्ची में करने का क्या फ़ायदा होगा, क्या क्या असर होंगे, क्या साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। और उसके बाद में मैं ये कहता हूँ कि आप अभी घर जाइए और घर में सबके साथ डिस्कस कीजिए और फिर निर्णय लीजिए कि आपको बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना है या नहीं करना है। क्योंकि बोन मैरो ट्रांसप्लांट ये बहुत बड़ी बात होती है, फैमिली के ऊपर बहुत बड़ी अंडरटेकिंग होती है, आसान बात नहीं है, तो फैमिली को सोचना पड़ता है। तो तीसरे कदम में मैं ये कहता हूँ कि आप घर जाइए, सोचिए और फिर आपका क्या निर्णय बनता है, आपके कुछ प्रश्न है तो वो फिर से आके हमें हमें पूछिए, फिर उसके बाद में हम निर्णय लेंगे क्या करना है। चौथा कदम जो होता है बोन मैरो ट्रांसप्लांट का वो होता है कि हमने तय कर लिया बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना है, अभी हमें डोनर ढूंढना है। तो आज की तारीख में तकरीबन सब पेशेंट्स के लिए डोनर होते हैं, क्योंकि अगर पूरे मैच वाला डोनर नहीं है तो हम मम्मी या पापा जो आधे मैच होते हैं हमेशा उनसे हम लेके ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो डोनर के लिए आपके डॉक्टर चुनेंगे कि कौन बेस्ट डोनर है, बट आमतौर पर सबसे पहले हम फैमिली का डोनर अगर वो मैच है तो उसको हम चुनते हैं। जब हम मैचिंग करते हैं तो हम 10 गुणों के लिए मैचिंग करते हैं, और जैसे हम ब्लड ग्रुप का मैचिंग करते हैं वैसे ही हम बोन मैरो का मैचिंग करते हैं, और बोन मैरो का मैचिंग हम प्रतिकार शक्ति के लिए मैचिंग होता है, तो ये 10 गुणों के लिए मैचिंग होता है। तो अगर फैमिली में कोई डोनर है पूरे 10 गुणों के लिए मैच होने वाला तो उसको हम प्रेफर करते हैं। अगर फैमिली में कोई डोनर नहीं है 10 गुणों के लिए मैच होने वाला तो हम पूरी दुनिया में देखते हैं कोई 10 गुणों के लिए मैच होने वाला दूसरा डोनर है क्या, और अगर वो डोनर है तो उनसे हम रजिस्ट्री के थ्रू अप्रोच किया जाता है वो डोनर। दुनिया भर में बोन मैरो ट्रांसप्लांट की बहुत सारी रजिस्ट्रीज है, तो ये रजिस्ट्री के थ्रू डोनर को अप्रोच करते हैं, हम डायरेक्टली अप्रोच नहीं करते, रजिस्ट्री अप्रोच करती है, और अगर वो पेशा देने को तैयार है तो हम उनसे पेशा मंगा के ट्रांसप्लांट यहाँ पर कर सकते हैं। तो जब हम घर से मैं कह रहा हूँ कि पूरे दुनिया भर से भर की रजिस्ट्री में देखते हैं तो हमारे पास जो बोन मैरो आते हैं वो पूरे जग भर से आते हैं, जर्मनी से आते हैं, यूरोप से आते हैं, कहीं से भी आते हैं, ट्रांसप्लांट हम यहाँ कहाँ करते हैं। तो डोनर यहाँ पर नहीं आते, उनकी कोशिकाएँ उस देश में निकाली जाती है और विमान के थ्रू यहाँ पर लाई जाती है और यहाँ पर ट्रांसप्लांट होता है। और अगर कोई भी डोनर नहीं है पूरी गुणों से के लिए मैच होने वाला तो हम आधे मैच डोनर लेके, आधा मैच डोनर यानी मम्मी या पापा आधे मैच होते हैं अपने बच्चे के लिए, क्योंकि पापा आधे गुण बच्चों को देते हैं और मम्मी आधे गुण बच्चों को देती है, तो मम्मी या पापा से कोशिकाएँ लेके ट्रांसप्लांट करते हैं। तो ये हुआ चौथा कदम। पाँचवा कदम होता है पेशेंट और डोनर की पूरी तरह से जांच करना, क्योंकि ट्रांसप्लांट के लिए पेशेंट का फिट होना ज़रूरी होता है। तो पेशेंट की पूरी टेस्ट की जाती है, ब्लड टेस्ट की जाती है, सारे अवयव का जांच किया जाता है। ये सारे अवयव का जांच मोस्टली ब्लड टेस्ट से ही होता है,
कभी कभी हमें दूसरी टेस्ट करनी पड़ती है, बट ये मामूली टेस्ट है, ये कोई बड़ी टेस्ट नहीं है, बट इससे अवयव का फिटनेस देखा जाता है। और डोनर के ऊपर भी वही टेस्ट होती है, ब्लड टेस्ट होती है, हमें देखना पड़ता है डोनर फिट है या नहीं है, डोनर में कुछ कुछ मेडिकल बीमारी नहीं है तो उसकी जांच होती है। अगर डोनर फिट होता है तो ही हम उसको डोनर करके लेते हैं, अगर डोनर में कुछ भी मेडिकल बीमारी होती है जिससे उनको कुछ खतरा हो या डोनर को कुछ नुकसान हो तो वैसे डोनर को हम बोन मैरो ट्रांस वैसे पे डोनर को हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए नहीं चुनते। तो डोनर का फिट होना बहुत ज़रूरी रहता है, डोनर का पूरा जांच किया जाता है, एक अलग डॉक्टर डोनर का जांच के सारे रिपोर्ट देख के डोनर को एग्जामिन करके फिर डोनर फिटनेस देते हैं, उसके बाद ही हम उनको डोनर करके चुनते हैं। अगर दूसरे देश का डोनर है तो वहाँ पर भी सेम प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है, वहाँ की रजिस्ट्री के डॉक्टर उनको उनका जांच करते हैं और उनके सारे तपास होते हैं, उसके बाद ही निर्णय लिया जाता है ये डोनर फिट है या नहीं है, और फिर उनकी पेशियाँ निकालने का प्रोग्राम बनाया जाता है। छठा कदम होता है कि ट्रांसप्लांट हो गया, 4 से 6 हफ्ते में ट्रांसप्लांट काम करना चालू हो गया और बच्चे जो बच्चा या पेशेंट जो है वो मुंह से अच्छे से खाना खा रहा है, सारी दवाइयाँ ले रहा है, तो हम 4 से 6 हफ्ते के बाद उनको डिस्चार्ज कर देते हैं। तो ये तभी संभव होता है जब कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं, जब कोई गंभीर साइड इफेक्ट नहीं है, तो 4 से 6 हफ्ते में डिस्चार्ज हो जाता है और उसके बाद में क्लोज फॉलोअप रखता है। यदि कोई गंभीर साइड इफेक्ट होता है तो अस्पताल में लंबे समय के लिए रहना पड़ सकता है, कभी कभी 4 से 6 महीने के लिए भी रहना पड़ सकता है। आमतौर पर गंभीर साइड इफेक्ट 100 में से 10 बच्चों में होता है, तो उनको लंबे समय के लिए हॉस्पिटल में रहना पड़ सकता है। हम आमतौर पर डिस्चार्ज 4 से 8 दवाइयों पे करते हैं, और ये दवाइयाँ धीरे धीरे कम करके 1 साल में सारी दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। ये था पेशेंट के बारे में, बट बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए डोनर बहुत ज़रूरी होता है। तो अब हम ये जानेंगे कि डोनर से पेशे हम कैसे निकालते हैं, और डोनर से पेशियां कोशिकाएं निकालने का कोई साइड इफेक्ट होता है या नहीं होता। तो डोनर से कोशिकाएं जो है वो खून में से निकाली जाती है, ब्लड में से निकाली जा सकती है या बोन मैरो में से निकाली जा सकती है। आमतौर पर हम भारत में खून में से पेशियां ज़्यादा निकालते हैं, बोन मैरो में से पेशियां कम निकालते हैं। तो होता यह है कि डोनर का पूरा फिटनेस किया जाता है और फिर जिस समय पे हम ट्रांसप्लांट करने वाले होते हैं उसके 5 दिन पहले हम डोनर को एक इंजेक्शन देते हैं, जिस इंजेक्शन की वजह से जो बोन मैरो की पेशियां होती है वो खून में आ जाती है, और 5वें दिन जब कोशिकाओं का नंबर खून में अच्छा बढ़ने लगता है उस दिन हम डोनर को हॉस्पिटल में बुला के उनकी पेशियां निकाल लेते हैं। तो उनको डोनर के 2 बाजू में 2 कैनुलास डाले जाते हैं उनकी रक्तवाहिनी में, बहुत बड़े कैनुला नहीं होते, ये छोटे कैनुला होते हैं, ये छोटे कैनुला होते हैं, और ये कैनुलास डाल के इन डोनर के कैनुलास को सुपर कंप्यूटर से अटैच किया जाता है, और ये सुपर कंप्यूटर जो है ये जो पेशियाँ या कोशिकाएं हमें चाहिए वो निकाल लेता है और बाकी सारी कोशिकाएं डोनर को रिटर्न कर देता है। ये 4 से 6 घंटों का प्रोसीजर होता है, इस दौरान डोनर बेड पे लेटा रहता है, टीवी देखते रहता है, तो इस तरह का ये प्रोसीजर होता है। तो इस प्रोसीजर के क्या कोई साइड इफेक्ट है क्या? तो इस प्रोसीजर का साइड इफेक्ट ये है कि जब हम इंजेक्शन देते हैं 5 दिन पहले, रोज देना पड़ता है 5 दिन तक इंजेक्शन, वो इंजेक्शन की वजह से बदन दर्द हो सकता है या थोड़ा बुखार आ सकता है, केवल यही उस इंजेक्शन के साइड इफेक्ट है।
कभी कभी जब हम ये प्रोसीजर करते हैं तो उस समय कैल्शियम का लेवल जो है वो ब्लड में बहुत कम हो जाता है, तो उस दौरान जो है होटो जो होट होते हैं डोनर के वो थोड़ा सुन्न हो सकते हैं। तो अगर ऐसा हुआ तो हम कैल्शियम की दवाई तुरंत देते हैं ताकि ये साइड इफ़ेक्ट ना। तो संक्षिप्त में यह है कि जब हम डोनर से कोशिकाएं लेते हैं तो हम सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं और डोनर को कम से कम साइड इफ़ेक्ट हो इसका भी ध्यान रखते हैं। और ये जो प्रोसीजर है ये 40-50 वर्षों से चला आ रहा है और हमें पता है कि इस प्रोसीजर के कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जो मैंने बताया वो मामूली साइड इफ़ेक्ट है इस प्रोसीजर का। दूसरा प्रोसेस होता है कि बोन मैरो में से हम जाके स्टेम सेल्स ले, तो मतलब सीधी जो हड्डी होती है कमर की उसमें जाके स्टेम सेल्स निकालना, उसके लिए जाके बोन मैरो निकालना। तो इस प्रोसीजर के लिए डोनर को बेहोश किया जाता है, बेहोशी का इंजेक्शन देके और उल्टा लिटाया जाता है और दोनों बाजू की जो रीढ़ की हड्डियाँ है उसमें से बोन मैरो लिया जाता है। इस प्रोसीजर का भी कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इस प्रोसीजर में भी डोनर का पूरा फिटनेस देखा जाता है। प्रोसीजर के बाद में डोनर को शाम को घर पे डिस्चार्ज किया जाता है और कभी कभी डोनर को मामूली सा दर्द होता है जहाँ से हम बोन मैरो लेते हैं तो हम पैरासीटामोल प्रिस्क्राइब करते हैं डोनर को, तो इस प्रोसीजर का भी कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो इस तरह से बोन मैरो देने का कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं है, नहीं रहता है डोनर को, इसीलिए ये प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल है पूरे जग भर में। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम है जो अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करते हुए किया जाता है। जैसे एयर ट्रैवल के नियम होते हैं, स्ट्रिक्ट नियम होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नियम होते हैं, उसी तरह से बोन मैरो ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के स्ट्रिक्ट नियम होते हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय नियम होते हैं, ये कोई एक हॉस्पिटल नियम नहीं बनाता है। और ये जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट का जो प्रोग्राम है ये स्वेच्छा से चलता है। डोनर जो है स्वेच्छा से अपना जैसे रक्तदान देते हैं वैसे ही बोन मैरो देता है, तो इसलिए ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट प्रोग्राम जो है ये बहुत सफल प्रोग्राम है। और हमारे पास अभी पूरे जग भर में जितनी भी रजिस्ट्रियाँ हैं वो सब मिला के 4 करोड़ बोन मैरो डोनर इन सारी रजिस्ट्रियों में मिला के है। तो और ये नंबर दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है जैसे इस ग्राफ में दिखाया है। तो ये तो हुआ डोनर के बारे में। तो हमने सबसे पहले बात की बोन मैरो ट्रांसप्लांट कैसे किया जाता है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, फिर हमने बात की डोनर के बारे में, बोन मैरो ट्रांसप्लांट डोनर कौन हो सकता है, बट अंतिम में मैं बात करूँगा हाँ बोन मैरो ट्रांसप्लांट रिजल्ट के बारे में। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट के रिजल्ट भारत देश में कैसे है, तो हमने वाड़िया हॉस्पिटल में 1.5 साल पहले बोन मैरो ट्रांसप्लांट का प्रोग्राम चालू किया है। हमने 18 ट्रांसप्लांट किए अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक। हमारे पास जो पेशेंट्स थे वो भारत के विभिन्न राज्यों से आए, ज़्यादातर महाराष्ट्र के पेशेंट थे बट बिहार से, गोवा से, बंगाल से भी पेशेंट्स आए हमारे पास बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने के लिए। तो हमने ये देखा कि ये जो सारे पेशेंट्स थे इनमें से 78% पेशेंट रोग मुक्त होके चले गए वापस अपने अपने घर, अपने अपने राज्यों में। अभी भी हम फॉलोअप कर रहे हैं बट ये चले गए, तो ये एक अच्छा रिजल्ट माना जाएगा। क्योंकि आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय रिजल्ट कैसे है, ग्रेट ऑर्मरशिप का रिजल्ट मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ जो एक बहुत ही विख्यात हॉस्पिटल है लंदन में, तो उनके रिजल्ट जो है तकरीबन 79-80% सक्सेस है। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट के रिजल्ट जो है उतने हो गए हैं कि 100 में से 70-80 पेशेंट्स हमेशा के लिए ठीक हो जाते हैं। मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ ज़्यादातर, और हमने वही पाया कि वाड़िया हॉस्पिटल में भी हमारे रिजल्ट्स अंतर्राष्ट्रीय हॉस्पिटल्स की तरह ही है।
संक्षिप्त में बोन मैरो ट्रांसप्लांट ये आज के दौरान में सक्सेसफुल थेरेपी है जो कैंसर कीमोथेरेपी से ठीक नहीं हो सकते, जो ब्लड कैंसर कीमोथेरेपी से ठीक नहीं हो सकते उन पेशेंट्स में हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट ऑफर करते हैं। और बोन मैरो ट्रांसप्लांट हालांकि बहुत बड़ी अंडरटेकिंग होती है फैमिली के लिए, बहुत बड़ी बात होती है, हम हर स्टेप पे फैमिली की जितनी मदद हो सकती है उतनी मदद करते हैं ताकि फैमिली की जो जर्नी है बोन मैरो ट्रांसप्लांट की वो आसान हो जाए। और हम ही नहीं, सारे हॉस्पिटल जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट ऑफर कर रहे हैं इंडिया में वो सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो यदि किसी को बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए सुझाया है डॉक्टर ने तो मैं ये कहूँगा कि डरे ना, घबराए ना, ये एक सक्सेसफुल थेरेपी है और होप कीजिए कि ये आपके पेशेंट्स में सक्सेसफुल हो। इसके साथ ही मैं धन्यवाद करूँगा। यदि आपके कुछ प्रश्न हो तो मैं प्रश्न लेने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू। Mr. Suresh Gupta is asking what are the precautions during bone marrow transplant? So bone marrow transplant के दौरान hand hygiene बहुत important होती है, हाथ साफ सुथरे रखना बहुत important होता है। जो भी bone marrow transplant के patient है, जो खाना खाना उनको दिया जाता है वो पका हुआ खाना होना चाहिए। अगर फल खाते हैं वो तो ऐसे फल खाए जिनका छिलका निकाला जा सकता है, अंगूर जिसका छिलका नहीं निकाला जा सकता वो ना खाए, बट सेब जैसे फल जिनका छिलका निकाला जा सकता है वो खाए। शुरुआती दौरान में बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद जब डिस्चार्ज हो जाता है तो शुरू में ज़्यादा लोगों कांटेक्ट में ना आए, शुरू में घर पे ज़्यादा वक्त बिताए, किसी को इन्फेक्शन है, किसी को किसी प्रकार का वायरल इन्फेक्शन है तो उनसे थोड़ा दूर रहे या वो घर पे ना आए। इसके अलावा और ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत नहीं है बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए। बोन मैरो ट्रांसप्लांट के दरमियान बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, बट बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद 6 महीने के बाद जब उनकी जो प्रतिकार शक्ति है वो नॉर्मलाइज होने जाती है तो आपके डॉक्टर आपको बताएंगे कि उस दरमियान वो स्कूल जा सकते हैं या नहीं जा सकते। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद जो रोग प्रतिकारक शक्ति होती है वो एकदम से नॉर्मल नहीं होती, वो नॉर्मल होने को टाइम लगता है क्योंकि हमने नया बीज डाला है उसका पूरी तरह से पेड़ बनने को टाइम लगता है। तो कम से कम 6 महीने लगते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद प्रतिकार शक्ति अच्छे होने के लिए, कभी कभी 1 साल भी लग सकता है। तो ये प्रतिकार शक्ति जो होती है ये आपके डॉक्टर मॉनिटर करते हैं ब्लड टेस्ट के थ्रू और फिर उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं कि बच्चे स्कूल जा सकते हैं या नहीं जा सकते। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट का जो प्रोसीजर है ये जैसे मैंने बताया ये सर्जिकल प्रोसीजर नहीं है, सर्जरी नहीं है, ये ट्रांसफ्यूजन है। तो जैसे हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते हैं उसी तरह प्रकार हम बोन मैरो ट्रांसफ्यूजन देते हैं। तो एक्चुअल में जो प्रोसीजर है वो आधे घंटे